टू लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस फिल्म के कुछ सीन्स उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी शूट किए गए थे और लगातार 7 दिनों तक यहाँ शूटिंग चली थी, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। वहीं इस फिल्म में 20 कट्स लगाए जाने और रिव्यू कमेटी द्वारा फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने से नाराज महाकाल मंदिर के पुजारी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म को जब ए सर्टिफिकेट अश्लीलता के लिए दिया गया तो ऐसी फिल्म से महाकाल मंदिर में शूट किए गए सभी दृश्यों को तत्काल हटाया जाए। उज्जैन महाकाल मंदिर से पुजारी और महाकाल सेना के साथ ही अखिल भारतीय पुजारी संघ के अध्यक्ष महेश पुजारी कहते हैं कि हम सेंसर बोर्ड और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि मंदिर के शॉट्स को इस फिल्म से हटाया जाए और ऐसा न होने पर हम FIR कराएंगे। ये बिल्कुल जो सेंसर बोर्ड ने किया है, कहीं न कहीं उसके अंदर अश्लीलता थी, पूर्व में भी इसका विरोध हुआ है, आप लोगों के माध्यम से इसको उजागर किया था। आज खुशी है कि सेंसर बोर्ड ने उसमें छाट काट करके 20 उसके शॉट हटाए हैं और इसको 1 क्लास का प्रमाण पत्र दिया, यानी उसमें अश्लीलता है। वयस्कों को देखने के लिए उसमें है, नाबालिग को देखने के लिए प्रतिबंध है। तो हम इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारी भावना महाकाल मंदिर से जुड़ी है। इस फिल्म की शूटिंग महाकाल मंदिर में ज़्यादा हुई है, इसलिए महाकाल मंदिर के जो शॉट हैं, जो धार्मिक शॉट जो है, वो भी सेंसर बोर्ड हटा दे और हमारी भावनाओं को कद्र करे, हिंदू समाज की भावना का कद्र करे और भगवान मंदिरों का भी जो सम्मान है उसको कायम रखे। बता दें कि फिल्म ओ माई गॉड 2 रिलीज होने से पहले से ही विवादों में है और आगे इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन तक की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में इसके लिए प्रदर्शन हो भी चुके हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर फिल्म को लेकर विवाद कहां जाकर थमता है।